अंधविश्वास का खेल, नवजात शिशु को बचाने अस्पताल में बुलाई माता, अस्पताल में फिकवाई भभूत, काफी देर तक चलता रहा ड्रामा। शिवपुरी जिले में एक जिला अस्पताल से अंधविश्वास का यहां पर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जो है एक जिला अस्पताल के परिसर में एक बुजुर्ग महिला कागज में रखी भभूति को पहले अस्पताल के दाएं बाएं फेंकती नजर आ रही है। बुजुर्ग महिला के सामने तीन महिलाएं दाएं बाएं दो पुरुष बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले बुजुर्ग महिला भभूति को हाथ में उठाती है, फिर कुछ बोलकर एक एक कर महिलाओं को देती दिखाई दे रही है। बुजुर्ग महिला की भभूति को महिलाएं एक एक कर अपने सिर से लगाती है। अब अंधविश्वास का ये वीडियो सामने आया है। शिवपुरी के जिला अस्पताल में एक महिला को पोहरी से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर महिला की डिलीवरी के पश्चात बच्चा कम दिन का होने के कारण उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया गया। बच्चे को SNCU में भर्ती कराया गया, जहां पर बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष जाटा। कहाँ से आए? कहाँ से आए? रानीपुरा राजपुरा से। अच्छा, क्या हो गया था? मेरा बच्चा ऊपर कांच में रखा है। हाँ, तो यहाँ पे जो क्या चल रही थी भभूति? यहाँ पे भभूति मैंने मैया बुलाई थी। हाँ, मैया। अच्छा, मेरी दादी है, इनका भी लोग थी। हाँ, तो इनको मैया यहाँ पे जिला अस्पताल में बुलाई थी आपने? यहाँ पे था, यहाँ पे बुला सकते। अच्छा, तो क्या 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 हो गया था इसलिए बुलाना पड़ा? इसलिए बुलाना पड़ा, डॉक्टर ने बुलाया कि बस पता नहीं है कि बच्चा शाम तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए मैंने बुलाई थी। अच्छा। हाँ, बच्चा कब हुआ था? बच्चा नाइट में हुआ था, परसों नाइट में हुआ। कुछ बच्चा का भी वीडियो लो। तो क्या समस्या आ रही है बच्चे को? समस्या उसको सांस नहीं चल रही है बच्चे की। ठीक है, तो आपने जिला अस्पताल में माता को बुलाना पड़ा? माता को बुलाया था। ये ले दो। सर, जिला अस्पताल में एक अंधविश्वास का मामला सामने आया है, जहाँ रानी राठखेड़ा के कुछ लोग भभूति से कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे थे, क्या है ये पूरा मामला? इनका बच्चा गंभीर हालत में है, पौड़ी में इसकी डिलीवरी हुई थी। बच्चा कम दिन का है, कम वजन का है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके चलते उसको रेफर किया गया है। बच्चा SNCU में भर्ती है, बच्चे की झाड़कों SNCU में होना सवाल ही नहीं उठता। नहीं, परिसर में ग्राउंड फ्लोर पर कर वजन क्या कर रहे थे बाहर उसका हमें नहीं पता, लेकिन बच्चे की झाड़कों नहीं हुई है, बच्चा SNCU में है। अच्छा, तो सर जो करती आ रही थी महिलाएं झाड़फूंक कर रही थी, क्या है नीचे ग्राउंड फ्लोर में? हाँ, महिलाएं जो भभूति फेंकती हैं, बैठे रहते हैं, परिजन क्या करते हैं? आना कोई भभूत नहीं गई है बच्चे के पास, ना बच्चे को झाड़फूंक हुई है, बच्चा SNCU में भर्ती है।